ये गांव अब हमारे मुल्क का एक हिस्सा है। तारीख गवाह है कि जब जब आवाम ने साथ दिया तब तब इंसान को उसके मकसद में कामयाबी मिली। आप लोग घबराइए मत, आप लोगों की हिफाजत, आप लोगों की हिफाजत की जिम्मेदारी अब हमारी है। इस गांव से कोई बाहर नहीं जाएगा, और अगर किसी ने इस गांव से बाहर जाने की कोशिश की तो यह समझा जाएगा कि वो मुल्क और कौम का गद्दार है, उसे देखते ही गोली मार दी जाएगी। कोई शक? रुक जा! लगता है किसी ने गांव से निकलने की कोशिश की है, इसलिए मारा गया। कौन हो सकता है? शादाब? शादाब, शादाब! इसे किसी ने गोली मारी है, जल्दी से अस्पताल चलो। नहीं साहब, नहीं साहब, यहां तक पहुंच गया बस। पाकिस्तान से आए दहशतगर्दों ने मेरे गांव पर कब्जा कर लिया है। मेरे गांव के कुछ लोग उनके साथ मिल गए। मेरे गांव को बचा लो, मेरे गांव को बचा लो। तुम अपने भाई को अस्पताल ले जाओ, मैं जवानों को रेडी करता हूं। सादा, सादा बब्बू कहाँ है? सादा सच्चे घर, अता मोहम्मद ने गोली मार दी। अता मोहम्मद? हाँ, वो उनके साथ मिल गया है। अबू की लाश वही है। और तुम यहाँ? खबर देने आ गया, मौत ने इतनी फुर्सत तो दे दी। और हो सके तो अपने इस नादान भाई को माफ कर देना, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं। और अभी से कहना कि उनका शादाब इतना बुरा नहीं था जितना वो समझती थी। बस तू उसका कर्ज ना चुका सका, यही अफसोस। शादाब, 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 शादाब! इन्ना लिलाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अता मोहम्मद, give me the megaphone. Gul Hamid, BSF ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया। हम जानते हैं तुम अस्तालकोट पर कब्जा करना चाहते हो और अपने वतन में मिलाना चाहते हो, मगर मेरे रहते हुए तुम्हारे ये मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। हम ये भी जानते हैं कि तुम न्यूयॉर्क, तेल अवीव और इजिप्ट में अपने नापाक इरादों में कामयाब हुए, लेकिन यहां तुम्हें नाकामयाबी मिलेगी। मैं रेफ्यूजी और 3 आदमियों को अंदर भेज रहा हूं नीन हत्ते, और उम्मीद करता हूं कि तुम इसे इसके वालिद को दफनाने की इजाजत जरूर दो। इंसानी मिट्टी की इज्जत करो। अंदर जाओ और दुश्मन की ताकत गिनकर आओ। गो फास्ट। धीरज, अशोक, उदयवीर, मेरे साथ चलिए।
गांव वालों तुम्हारा मुखिया जा रहा है और जाते वक्त तुमसे कुछ भी नहीं मांगता, मांगता है तो बस एक मुट्ठी भर खाक दफन के वक्त। अगर तुम वो भी नहीं दे सकते तो फिर खड़े रहो यहां, दहशतगर्दों के हवाले कर दो अपने गांव को, ताकि आने वाले नस्ले बस इतना कह सके कि यहां भी एक गांव होता था जिसके बच्चों ने अपने गांव को गैरों के हाथों बेच दिया और गांव हमेशा के लिए शर्मिंदगी की चादर ओढ़ के सो गया। अगर तुम लोगों को इस गांव की मिट्टी से, जिसमें तुम्हारे बुजुर्गों की खाक मिली हुई है, इससे जरा भी प्यार है तो फिर छोड़ दो ये प्यार और हो मेरे साथ। बता मोहम्मद, ये बाजी तो पलटती नजर आ रही है। मीनी के बलबूते पे तो हम लोग ये जंग जीतने आए थे और यही हमको छोड़ के जा रहे हैं। पकड़ लो इन सबको और बंदी बना लो। तुम लोग अम्मी अबू को सुरक्षित जगह ले चलो, मैं कवर फायर देता हूं। आप गांव पर हमला कर दीजिए। वेल डन, वेल डन बॉय। Yeah! No!
बंदूक नीचे फेंक, बंदूक नीचे फेंक। अभी दे, हिलना नहीं। बंदूक नीचे, वरना उड़ा दूंगा इसे।